आधा समय समापन हो चुकी है और आधी समय हाथ में बची हुई है। एक सुने से पिछड़ चुके हैं, मैं आ चुके हैं तो हथियार कतई नहीं डालेंगे, अंत तक और इसके बाद वाली मैच के लिए चक्र में वो पहुंच चुके हैं, क्वालिफाई उनकी तरफ से हो चुकी है। एक है गब्बर एफसी पॉट का, बहुत ज्यादा प्रभावित किए हैं गब्बर एफसी पॉट का। दूसरे दिन और हमारे रेफरी मंडलियों का, साथ ही साथ हमारे जो उद्घोषक कर्ताएं हैं, उन सबों का भरपूर सहयोग रहा है और उन्हीं के सहयोग के बदौलत ही इसका उम्मीदें अभी भी बरकरार। दो सुनी की यहाँ पे बहुत ही बड़ा मौका, जबकि 7 नंबर के खिलाड़ी हल्का सा गेंद को पुश किया 11 नंबर के लिए, शूटिंग तो हुई थी मगर चढ़कर मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, मगर आप थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, कभी भी घटना दुर्घटना हो सकती है, खुद को संभाल कर रखें और मैच का लुत्फ उठाएं। कांटे का मुकाला यहाँ पे चलता हुआ, हमारे हर एक दर्शक जो यहाँ पे उपस्थित है, और इसी बीच क्या कमबैक किया है अभी अभी कोयना लुगा के खिलाड़ी ने, बराबरी का गोल लगा, ना जाने कितने दर्शक मायूस होकर अपनी जगह पे बैठे बैठे सो जा रहे थे, मगर इस बार जागा और अभी अभी बराबरी का कोयना लुका की तरफ से गोल दागा, जिस बार रख पाएगा अपने दल का मान सम्मान, दांव पे लगाया जा चुका है अपने मान सम्मान को। बड़ी करीबी मामला मगर शूटिंग इतनी बेहतरीन थी। जी जहां तक गोलदाता मानी से प्लेयर्स में देख लीजिएगा, दर्शक खिलाड़ी टीम में जुड़ा हुआ है मनीष, जिन्होंने अभी गोल मारे, ये बहुत ही स्टार खिलाड़ी है ओडिशा स्टेट का। चलिए उत्पल जी पुनः आपका स्वागत, ये चमत्कार से कम नहीं है, अभी अभी जो गोल स्कोर हुई ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, और इस चमत्कार फिर से दोहराना चाहेंगे। इस बार जमशेदपुर की बारी आ चुकी है और जब जब जमशेदपुर की बारी आती है, यह खतरनाक तरीके से गेंद आई है, टर्स की टीम है, धड़कने अगर रुक भी जाएगी तो फिर उसे फिर से बहाल करने के लिए हमारे डॉक्टर्स यहां पे हैं। और एक मौका तलाशते हुए गुरमीत मुखी, जो स्टार खिलाड़ी है जमशेदपुर क्षेत्र के, आगे आ चुके हैं। जब एक एक की बराबरी हार, धावा बोलने के लिए कई खिलाड़ी आगे आ चुके हैं, कयामत ढाने के लिए आगे आ चुके हैं। मगर इस बार फिर से कोयना लुका की टीम आगे बढ़ते हुए 17 नंबर के खिलाड़ी गेंद को आगे बढ़ा, गब्बर एफसी पॉट का और पदमपुर एफसी, आप दोनों ही दलों के कप्तान या फिर मैनेजर महोदय से गुजारिश होगी, कृपया आप अपने जिम्मेदारी को निर्वाहन करने का प्रयास करेंगे, अपने अपने साथी खिलाड़ियों को सुसज्जित कर हमारे फोर्थ रेफरी की जगह पे लाने का प्रयास करेंगे, ताकि समय बेफुजल बर्बाद ना हो। यहां पे मौका फिर से बना, निक चक्कर में थे मगर गेंद आ चुकी है एक तरफ, थोड़ा सा प्रेशर डालने का काम हो रहा है, बैकफुट पे धकेलने का काम हो रहा है इस बार। बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रस्तुति इस बार, 30 नंबर के खिलाड़ी गेंद आगे बढ़ाई है मगर कोई फायदा नहीं मिलेगा, फायदे के लिए अपने दल के बेनिफिट के लिए कोयना लुका की तरफ से हुई है।